थैंक यू मैम, मुझे डिमांड फॉर ग्रांट्स ऑन रेलवे पे आज बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री मंत्री नु तुसी लिख के दे दियो, साथी मंत्री नु लिख के दे दियो, पूर्व रेलवे मंत्री रक्षा जी, हमारे रेलवे के पूर्व मंत्री सुरेश प्रभु जी और उनके साथी अपने पीयूष गोयल जी का, और खास करके सभी ऑफिसर लोगों का मैं तहे दिल से उनके आभार प्रकट करना चाहती हूँ। क्योंकि हमने देखा होगा कि पिछले 5 साल में 2014 से लेकर 2019 तक जिस तरह से रेलवे डिपार्टमेंट में काम हो रहे हैं, वो सचमुच बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। क्योंकि एक ऐसा कोई स्टेशन नहीं है हमारे पूरे देश में कि जहाँ पे सभी सुविधा देने का प्रयास इन पिछले 5 सालों में हुआ है। वहाँ पे पानी की व्यवस्था हुई होगी, टॉयलेट्स की व्यवस्था है, वहाँ पे वाईफाई की व्यवस्था है, लिफ्ट की व्यवस्था है, सभी तरह से स्टेशन अच्छी तरह से उनको सुविधा वहाँ पे मिलनी चाहिए। इसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया गया है। और उसके साथ ही सबसे अहम बात जो है कि जितने भी हमारे देश में जितने भी रेलवे गेट्स है, वो सभी रेलवे गेट्स बंद करके वहाँ पे लिमिटेड हाइट सबवेज बनाए गए कि जिसके कारण लोगों को एक अच्छी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध वहाँ से होती है। क्योंकि हमने देखा होगा कि रेलवे गेट्स होने के कारण वो एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा बंद रहते थे और काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ता था। लेकिन इन 5 सालों में काफी इम्प्रूवमेंट वहाँ पे भी हुआ है, इसलिए मैं गवर्नमेंट का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं इस सदन के माध्यम से सरकार से ये भी निवेदन करना चाहूंगी कि कई सालों से नॉर्थ महाराष्ट्र के लिए जो मुंबई नासिक भुसावल होकर दिल्ली राजधानी ट्रेन की मांग हमने रखी थी, और लास्ट मतलब पिछले साल सरकार ने उसे सैंक्शन करके अभी वीकली उसे 4 दिन चलाया जा रहा है। और हमारी सभी सांसद, नॉर्थ महाराष्ट्र की सभी सांसद की मांग है कि उसे डेली बेसिस पर चलाया जाए और उसे भुसावल में टेक्निकल स्टॉपेज भी दिया जाए कि जिसके कारण वहाँ राजधानी एक्सप्रेस में सभी सुविधा भुसावल स्टेशन से सभी हम वहाँ पे दे सकते हैं। उसके साथ ही मैं सरकार से मांग करना चाहूंगी कि हमारे सरकार ने एक अच्छा निर्णय लिया पिछले 2 साल पहले कि जितने भी नैरो गेज जितने भी हमारी ट्रेन चल रही है जो काफी पुरानी है उसे ब्रॉड गेज में कन्वर्ट किया जाए। और मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी जामनेर पाचुरा करके एक ट्रेन है जो नैरो गेज है, उसे भी अभी ब्रॉड गेज में कन्वर्ट करने का सरकार ने प्रपोजल सैंक्शन किया हुआ है, उसके सर्वे के लिए भी पैसा दिया है। तो सिर्फ मेरा यही निवेदन रहेगा कि उसे जल्दी से जल्दी वो सर्वे पूरा करके उसका काम जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए। और उसके साथ ही भुसावल एक बड़ा डिवीजन होने के कारण वहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी काफी बड़ा है और वहाँ रेलवे की भी बहुत बड़ी जगह है। तो हमारी पिछले साल मांग थी कि वहाँ पे LHB कोचेस POH वर्कशॉप की हमने मांग रखी थी कि वहाँ पे वो वर्कशॉप शुरू किया जाए कि जिसके माध्यम से वहाँ के बच्चों को वहाँ पे नौकरियाँ मिल सकती है। क्योंकि वहाँ के इंस्टीट्यूट के माध्यम से हर साल नियर अबाउट 500 स्टूडेंट वहाँ से एजुकेट होते हैं, लेकिन उन्हें जॉब की फैसिलिटी वहाँ ना होने के कारण वो बच्चों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर ये वर्कशॉप वहाँ पे हो जाता है तो काफी उसमें तो बच्चों को हेल्प हो सकती है। और सबसे अहम मुद्दा जो हमारे सांसद वेस्ट बंगाल के अर्जुन सिंह ने यहाँ पे रखा कि रेलवे में जितने भी RPF सिक्योरिटी की जो समस्या है, जिससे हम भी खुद बहुत बार सामना करते हैं कि सिक्योरिटी रहती है सिर्फ, लेकिन वो नाम के लिए रहती है। रेलवे में कहीं भी ये ऑफिसर सही तरह से उस पर ध्यान कहीं भी नहीं देते, तो इसमें हमें ध्यान देने की जरूरत है कि सिक्योरिटी के बारे में गवर्नमेंट ने इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए कि जिसके माध्यम से ज्यादा सिक्योरिटी रेलवे में अच्छी हो सकती है। क्योंकि काफी महिला है जो ट्रैवल करती है और उसे ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और मैं सरकार का आभार भी प्रकट करना चाहूंगी कि किसानों के लिए जो स्पेशल ट्रेन शुरू की है उसके माध्यम से काफी किसानों का इसमें फायदा होने वाला है। और भविष्य में इसके माध्यम से किसान के लिए भी ये और ज्यादा फायदेमंद होके किसानों को इसके माध्यम से 2 पैसा और ज्यादा कमाने का मौका भी मिलने वाला है। और आज मुझे इस डिमांड पे बोलने का मौका दिया, इसलिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ और मैं समर्थन करती हूँ इस बजट का। धन्यवाद। थैंक यू।